हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस ब्रिटिश छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन ए ब्यावर, बी कोटा, सी नसीराबाद, डी एरनपुरा। तो इसका सही आंसर है ए ब्यावर। अगला सवाल है, निम्न में से किस किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी गोलीबारी में शहीद हो गए थे? आपके ऑप्शन ए निमुचाना, बी बेंगू, सी बिजोलिया, डी बूंदी। तो इसका सही आंसर है बी बेंगू। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी देसी रियासतें मत्स्य संघ में शामिल की गई थी? आपके ऑप्शन ए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा, बी अलवर, भरतपुर और बीकानेर, सी जयपुर, करौली और अलवर, डी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसका सही आंसर है डी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? आपके ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह तृतीय, बी महाराजा तख्त सिंह, सी महाराजा हनुवंत सिंह, डी महाराजा जोरावर सिंह। तो इसका सही आंसर है बी महाराजा तख्त सिंह। अगला सवाल है, निम्न में से कौन डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, बी गौरीशंकर उपाध्याय, सी भोगीलाल पांड्या, डी हरिदेव जोशी। तो इसका सही आंसर है सी भोगीलाल पांड्या। अगला सवाल है, अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन 1927 बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जय नारायण व्यास थे, तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, बी विजय सिंह पथिक, सी भोगीलाल पांड्या, डी जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर है बी विजय सिंह पथिक। अगला सवाल है, वर्ष 1936 में राजस्थान के जोधपुर में सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन ए जय नारायण व्यास, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी जोरावर सिंह। तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर एक, सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना 1915 में जैसलमेर के युवाओं ने की थी। नंबर दो, माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1932 में जैसलमेर में हुई थी। आपके ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी एक और दो दोनों। तो इस सवाल में कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से नेता चरमपंथी आंदोलन से संबंधित है? नंबर एक केसरी सिंह बारठ, नंबर दो स्वामी कुमारानंद, नंबर तीन विजय सिंह पथिक। आपके ऑप्शन ए केवल एक व दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक व तीन, डी एक दो और तीन। तो इस सवाल का सही आंसर है डी एक दो और तीन। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में महिला स्वतंत्रता सेनानी दी हुई है, जबकि सूची दो में इनसे संबंधित संगठन दिए हैं। सूची एक में नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, सुशीला त्रिपाठी और जानकी देवी बजाज दी हुई है, जबकि सूची दो में महिला आश्रम, गौ सेवा संघ, हिंदुस्तानी सेवा संघ और राजस्थान सेवा संघ दिए हैं। तो इस सवाल में ऑप्शन दो नंबर सही है, यानी नारायणी देवी महिला आश्रम से, अंजना देवी चौधरी राजस्थान सेवा संघ से, सुशीला त्रिपाठी हिंदुस्तानी सेवा संघ से और जानकी देवी बजाज गौ सेवा संघ से जुड़ी हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने आगी बाण नामक राजस्थानी भाषा के पत्र का संपादन किया था? आपके ऑप्शन ए हरिभाऊ उपाध्याय, बी जय नारायण व्यास, सी भगतराम, डी हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर है बी जय नारायण व्यास। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सर्वोदय वाहक नामक समाचार पत्र के संपादक थे? आपके ऑप्शन ए शोभाराम कुमावत, बी वासुदेव शर्मा, सी चिमनलाल मलोत, डी माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर है सी चिमनलाल मलोत। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भील सेवा मंडल 1922, बी राजस्थान चरखा संघ 1925, सी खांडलाई आश्रम 1934, डी शांति सेवा कुटीर 1945। तो इसका सही आंसर है डी शांति सेवा कुटीर 1945।
शांति सेवा कुटीर की स्थापना 1945 में नहीं बल्कि 1930 में हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रजामंडल से जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध है? आपके ऑप्शन ए जयपुर प्रजामंडल, बी भरतपुर प्रजामंडल, सी बीकानेर प्रजामंडल, डी कोटा प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर है ए जयपुर प्रजामंडल। अगला सवाल है, निम्न में से किस लड़ाई को राजस्थान के लोक गीतों में ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए धौलपुर की लड़ाई, बी तुंगा की लड़ाई, सी आउवा की लड़ाई, डी बाड़ी की लड़ाई। तो इसका सही आंसर है सी आउवा की लड़ाई। अगला सवाल है, सूची ए को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन करें। सूची एक में समाचार पत्र दिए हैं जबकि सूची दो में इनके स्थापना वर्ष दिए हैं। सूची वन में तरुण राजस्थान, ज्ञानोदय, राजपुताना हेराल्ड और त्यागभूमि दिए हैं जबकि सूची दो में 1922, 1905, 1927 और 1885 दिए हैं। तो इस सवाल में ऑप्शन चार नंबर सही है, यानी तरुण राजस्थान की स्थापना 1922 में, ज्ञानोदय की स्थापना 1905 में, राजपुताना हेराल्ड की स्थापना 1885 में और त्यागभूमि की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ राजनीतिक संस्थाएं दी हैं जबकि दूसरी तरफ इनके स्थापना वर्ष दिए हैं। आपके ऑप्शन ए नरेंद्र मंडल की स्थापना 1925 में, बी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में, सी वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, डी अभिनव भारत की स्थापना 1907 में। तो इसका सही आंसर है ए नरेंद्र मंडल की स्थापना 1925 में। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1925 में नहीं बल्कि 1921 में हुई थी। अगला सवाल है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भानगढ़ हत्याकांड, बी सामूगढ़ हत्याकांड, सी मानगढ़ हत्याकांड, डी चित्तौड़गढ़ हत्याकांड। तो इसका सही आंसर है सी मानगढ़ हत्याकांड। अगला सवाल है, निम्न में से किस किसान हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की संज्ञा दी है? आपके ऑप्शन है ए नींबू चना किसान हत्याकांड 1925, बी डाबी किसान हत्याकांड 1926, सी गोविंदपुरा किसान हत्याकांड 1923, डी जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड 1934। तो इसका सही आंसर है ए निमुचना किसान हत्याकांड 1925। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोगात्मक व सबसे लंबा किसान आंदोलन रहा था? आपके ऑप्शन ए बेंगू किसान आंदोलन, बी बिजोलिया किसान आंदोलन, सी नीमूचना किसान आंदोलन, डी मातृकुंडिया किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बी बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।